अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम, उम्र, वजन, शहर? हाउ ओल्ड आर यू? 27। और नाम बताइए। सॉरी, नाम बताइए। नाम नाम उसका खदीजा है। और उम्र? खदीजा की उम्र 27। सॉरी, 27 एज है और खदीजा उसका नाम है। वजन बताइए। वजन, वेट 8 stone। और उसको फरमाइए सवाल क्या? थायराइड है, हाइपर एक्टिव। कितना अरसे से? जी, कितना अरसे से? उसको डिलीवरी से हो गया था, दो साल हो गए। अच्छा, कब कब लास्ट प्रेगनेंसी कब थी? जी, कितना अरसा हो गया? लास्ट प्रेगनेंसी कब थी इनकी? सॉरी, समझ नहीं आई मुझे क्या। लास्ट इनकी डिलीवरी कब हुई है, कब बच्चा पैदा हुआ इनका? दो साल हो गए। दो साल से इनको थायराइड है। तो yes, तो क्या मेडिसिन ले रही है? यू टेक एनी मेडिसिन? नो, नॉट येट, नो। अच्छा, तो खाना पीना ठीक है इनको? भूख वगैरह सही लग रही है? हाँ, भूख वगैरह खाना तो ठीक से खाती है। अच्छा, इनका वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? वेट गोज अप और डाउन। यस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप हो जाता है। मंथली साइकिल ठीक है इनका? पीरियड सिस्टम साइड तो अभी ठीक है। यह ठीक है। तो अभी तकलीफ क्या हो रही है? गले में तकलीफ रहती है क्या? क्या महसूस हो रहा है? है, लेकिन उसको कभी कभी हो जाता है ज्यादा। क्या? यस, ही इज वेयरिंग ग्लासेस। अच्छा, चश्मा पहनती है? जी। तो क्या महसूस होता है? सॉरी, माफ करना मुझे। नहीं, इनकी तकलीफ, उनको क्या महसूस होती है ज्यादा? गले में तकलीफ है तो वो वजन ये वो हो जाता है। अच्छा, ग्लैंड बने हुए हैं? जी, गले में सामने ग्लैंड महसूस होते हैं? जी जी, ठीक है। प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ। ओके, जजाक इंशाल्लाह। प्रोग्राम अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटे खुशियां बांटे। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121-6677-399। हमारी बहन खदीजा है, इनकी उनकी उनकी उम्र जो है 27 है, 8 stone का वजन है, इनको थायराइड है, हाइपर एक्टिव है और दो साल से जो है इनका वजन भी जो है दो साल से ये तकलीफ है और इनका वजन भी अप एंड डाउन रहता है, गले में शदीद दर्द है। देखें, थायराइड के ऊपर मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और इसके पूरे पूरे प्रोग्राम यूट्यूब पर भी मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा मैं आपको जिक्र करता हूँ कि आप इसके लिए क्या करें। सबसे बेहतरीन एक तो ये है कि आप गरारे करें, गरारे रात को सोने से भी पहले और सुबह उठने के बाद भी। ये क्या तरीक़ाकार है इसका? आप ले लें कलौंजी, ले लें 1 teaspoon, पिंक साल्ट ले लें 1 teaspoon, ब्लैक पेपर ले लें 1 teaspoon। अच्छा, ब्लैक पेपर समटाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है ना मुंह में लेना तो ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो उसमें आप 1/2 teaspoon भी कर सकते हैं और 1/4 teaspoon भी कर सकते हैं, लेकिन इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल, इसके आप इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, जब थोड़ा सा ठंडा इसको होने दें, नीम गर्म हो इसको करें, इसके गरारे करें, खूब अच्छी तरीके से गरारे करें रात को भी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी। एक काम तो ये करें, दूसरा ये करें कि रात को सोने से पहले आप मेथी दाना इस्तेमाल करें, सादे पानी के साथ मेथी दाना जो है आप इस्तेमाल कर लें। 1 teaspoon मेथी दाना ले लें, इसका पाउडर,
वो खा लें सादा पानी से, उसको नीम गर्म पानी से खा लें तो और ज़्यादा मुफीद है इंशाल्लाह। ये आप करें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इससे काफ़ी फाका होगा। इसके अलावा भी बहुत से नुस्खे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा। और बाकी इसका मसाज करें, मसाज करने का जो है ऑलिव ऑयल ले लें और तिल का तेल ले लें और कलौंजी का तेल ले लें, ये तीनों तेल ले लें, हम वजन ले लें, एक एक टेबल स्पून ले लें और इसके अपने जो ये हिस्सा है इसको तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें और इसका हल्का हल्का आहिस्ता से इसका मसाज करें और सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर दम करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह काफ़ी फाका होगा।